on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you... का मैं हूं कर बता देखा स्मार्ट ब्लॉग। एंड आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं गंज कर्णपुर, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफी विख्यात है। तो वहां पे जा रहे हैं, आपको पूरा घुमाएंगे पूरा। एंड ब्लॉग आप लास्ट तक देखते जाना, ब्लॉग आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि गंज जा रहे हैं तो हम आपको पूरा घुमाएंगे एंड आपको मजा आएगा। और जो हनुमान जी के भक्त है भाई, वो तो ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि बढ़िया मंदिर सब दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको एक चीज दिखाते हैं, हमारे ये भाई साहब हैं, भ्राता श्री हैं, जो कि बाइक धो रहे हैं। तो अभी कुछ इनके बारे में अगर आप दो शब्द कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है भाई, भाई साहब आप कुछ ऑडियंस से। तो सर को हमारे मतलब भाई को हमारे है ना, उनको शर्म लगेगा, कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी हम चलते हैं भाई कर्णपुर गंज, ये भी एक मंदिर है, भाई दर्शन कर लो। ठीक है, तो अभी निकलते हैं वहाँ के लिए एंड मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी तो यार वहाँ से तुम निकल लिए थे, बट यहाँ पर हम वॉइस ओवर अलग से कर रहे हैं, लेकिन बाइक पे मैं चल रहा था, इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमको। बट कोई ना, वॉइस ओवर हमने अलग से कर दिया, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। बाकी आप लोग ब्लॉग का पूरा मजा लेना, एंड तक देख के जाना, हम पूरा मतलब मस्त घूमें भाई, बढ़िया बढ़िया जगह घूमें। तो यहाँ पर यार मेरी दादी माँ और चाचा थोड़ा फल लेने के लिए रुक गए थे, क्योंकि मंदिर भी आ रहे थे तो कुछ चढ़ावा भी चढ़ाना था हम लोगों को, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा फल की खरीदारी कर रहे थे। एंड खरीदारी करने के बाद यहाँ पर हम मंदिर में आ चुके थे। ये है वो मंदिर जो मैं आपको बता रहा था, जिसकी मैं अभी व्हाट्सएप वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर अलग से कर रहा हूँ, बट अभी मैं आपको पास से भी ये मंदिर दिखा दूंगा कैसा है। एंड उसके बाद मैं आपको अपना झुमरी तलैया जो कि आपने सुना है वो दिखाने वाला हूँ। पहले आप इस मंदिर के पूरे मजे लेना भाई, मजे के भाई दर्शन कर लो, दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को। सिंपल सी बात है, सामने शिवलिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है, एंड हनुमान जी का भी, हनुमान जी की भी मूर्ति है। मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखा दूंगा, अभी मैं वॉइस ओवर अलग से कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर भाई थोड़ी सी शर्म लग रही थी हमारे भाई को। ठीक है, तो ये हमारे प्रिय शंकर जी, ओम नमः शिव हर हर महादेव, आप लोग उनके चरण स्पर्श कर सकते हो हमारी फ़ोन की स्क्रीन को छू के। ये हैं हमारे हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, आप लोगों को पता ही भाई, इनके भी दर्शन कर लो। यहाँ पर माना जाता है भाई मनोकामना सबकी पूरी हो जाती है, तो आप लोग भी अपनी मनोकामना जो है यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। और ये पता है ये वहाँ के गुरु जी थे, यानी कि गुरु जी हैं, इनके भी हम चरण स्पर्श कर लेंगे, क्योंकि हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। बाकी एक कान्हा जी की मूर्ति है, इधर भी कान्हा जी हैं, बाकी नीचे राम जी वगैरह हैं, एंड इधर ये हम हैं, पूरा हमको भी आप एक बार देख लो यहाँ पर फुल ग्राइंड करते हुए। यहाँ हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने गांव के लिए, और मेरे दादी का पता नहीं क्या प्लान बनना, खाना पीना खाने का देखते हैं, जो भी बनेगा देख लेंगे। पीछे वाला मंदिर था वो देख लिया आपने, ऊपर बोर्ड नहीं दिखा सकते आपको, ठीक है वो ही है। ठीक है, ये गंज में है कर्णपुर, इधर टाँकी पास में ही इधर, ठीक है जो आओ तो घूमने आ जाना इधर जब भी आपका मन चले। भैया आधे रास्ते तक पहुँचे, अभी थोड़ी देर बाद हम गांव भी पहुँच जाएंगे, तो अभी आधे रास्ते तक हम पहुँच चुके हैं। गांव पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम रास्ते में रुक चुके हैं, हमारी दादी का प्लान बन रहा है खाना खाने का, वो भी देख लेते हैं। नो 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 तो भाई उसके बाद से निकल लेंगे यहाँ से, एंड पहुँच के हम आपसे बात करेंगे गाँव पहुँच के। रोड देख रहे हो भाई, ऐसा रोड है ये, ठीक है मिलते हैं अभी गाँव। तो अभी हम झील पे आए हैं जो कि पूरी सूखी पड़ी हुई है भाई साहब, देखो पूरा मस्त व्यू है, बट वही प्रॉब्लम, पूरी सूखी पड़ी हुई है झील। हम आपको पूरा दिखा देंगे भी एरिया भाई, क्या बैठने लायक जगह है वहाँ पे। एंड ये पीछे झील है जो सूखी है, ये पूरी सूख चुकी है, ठीक है फुल, अभी हम आपको दिखा देंगे। एंड जगह काफ़ी बढ़िया है ये वाली, तो आपका क्या कहना है, झील तो पूरी सूखी डली है यहाँ पर, क्या कह सकते हो आप भी आप इसके बारे में। तो यहाँ पर बोर्ड भी ला रखे हैं कि पक्षियों को मतलब बचा सके हम, भाई पक्षी है ही नहीं, झील ही नहीं, तो पक्षी कहाँ से है, बचाएंगे कहाँ से है। तो अभी हम फ्रंट कैमरा करके आपको दिखाते हैं,
भाई क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर बैठने के लिए, काफी बढ़िया व्यवस्था है एंड पेड़ पौधे काफी यहाँ लगा रखे हैं इन्होंने। झील तो काफी बढ़िया है यार एंड यही सामने झील है जो पूरी सूख चुकी है। इधर भी कुछ है, सेम ऐसा ही है जो पार्ट इधर वो भी पार्ट सामने है। ठीक है, नलका तो मेरे को पता नहीं भाई इधर है कि नहीं है। सेम जगह जाने को कोई फायदा है ही नहीं भाई। तो आप ये देख लो क्या मस्त है भाई, मस्त। अभी हम पूरा घूम तो लिए ही हैं, चलेंगे भी यहाँ से, थोड़ा खाना पीना खा के फोटो वगैरह शूट करके यहाँ से निकल लेंगे। पीछे वो मेन रोड है जो मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। ठीक है, अभी खाना पीना खा के यहाँ से निकलते हैं। मस्त क्या भाई खाना खाएंगे, बोल लिया खाना खाने के लिए। और पता कहाँ खा रहे हैं, झुमरी तलैया जो कि पूरी सूखी हुई है। ऐसा करके पूरी लेंगे, आलू लेंगे, खा लेंगे, अभी फिर मिलते हैं खाने के बाद आपको। ठीक है, यहाँ पे नाम डालो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं हो तो कस्टमर का नाम ही डाल देना, और नीचे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ये।